बेटे मूर्ति लेने जाने हैं तो मैं नहीं जाऊंगा ना, तो मूर्ति नहीं आएगी मेरी जान। अब सालों का इंतजार हुआ खत्म। काय बड्डे सही बोल रहे ना, काय बड्डे सही बोल रहे ना, काय बड्डे सही बोल रहे ना। सालों का हुआ इंतजार खत्म और अब आने वाले हैं भैया गणेश चतुर्थी आ ही गई है। सो गाइस मैं हूं आपका दोस्त आकाश पटेल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जेबी स्काई ब्लॉग। तो फिलहाल पप्पा का आगमन करें। क्या बात है बोलो बोलो क्या बोल रहे। फिलहाल में पप्पा का आगमन करें। चलो भैया, भाई बंदे ने बोल दिया है आगमन होने वाला है बब्बा जी का, तो चलते हैं पूरी पल्टर के साथ। बेटे मूर्ति लेने जाने हैं तो मैं नहीं जाऊंगा ना, तो मूर्ति नहीं आएगी मेरी जान। ध्यान रखना क्योंकि भाई असली हथियार अपने पास है मेरी जान। अपन जाएगा तभी मूर्ति आएगी मेरी जान। तो चले चले तैयार हो जाएगी। अब हो ही गई भी है। क्या क्या बचा है भैया इसमें? अभी इससे बचा है मोर का काम हो गया। हाँ मोर का काम हो। चलो भैया जय मोर जय गणेश जी। जैसे कि एक साल पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जब गणेश जी की हम लोग लेने आए तो ये पंडा था। अब पंडे की जो बदली हो गई है तो पंडा नया पंडा कहाँ भैया? ये रोहन पंडा, पहले आदि पंडा था, अब रोहन पंडा हो गया। चलो तैयारी करो। तो अपने दांत देखा पहले। आरी वाले दांत मेरी हैं। तो पहले सुनाई नहीं देते ना कान में। तारनहार तू या विश्वासा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्त जीता मना पुरहिता, महाद्वार या नगरी। भैया साइड हो जाने यहाँ थोड़ी सी। भैया गाड़ी 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 साइड 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 गाड़ी को आने दो।
टाटा बाय बाय सी यू। अरे ढोल वालों पैसे दे के आओ। अरे कैसे का ढोल वालों महाद्वारिया नगरी था तू दैवत अमुचा विनायक दैवत अमुचा विनायक हे गजानन हे गजानन हे गजानन कर रहा है तुम्हें बजे तो मैं मंजन करते देखता हूँ। अच्छा अब उसको अब उठना पड़ेगा मेरी जान 5 बजे तुमको। गणेश जी की आरती अगर गणेश जी में देखो पंडा बनता है। पंडा बनना क्या पंडा बन चुका है। दूसरा कोई नहीं बैठेगा पूजन में तुम ही बैठो। सही बात है सर्जन था आते हुए तो परेड हो जाएगी ठीक है ना। आएगी परेड हो जाएगी आएगा अपने समय पे पूजन पाठ करे चलते बनेगा। सही बात है बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा यहाँ पे किसी को पता है कि गणेश जी की स्थापना मतलब दर्शन क्यों रखा जाता है तुम किसी को पता है। मेहमान कलाकार पता किसी को नहीं बेटा आज पता चल जाएगा बना के। अरे पंडित जी है ना पंडित जी आज बताएंगे आप सभी को क्या दस दिन गणेश जी क्यों रखी जाती है। वो तो हमको नहीं पता हमको भी जानना है ना। इसकी कहानी बाद में बताएंगे क्योंकि अभी तो हम बहुत थके हुए हैं। अरे बाद में बताएंगे क्योंकि अभी हमारे गले में पूजा कराने की आवाज नहीं है। धीरे से पंडित जी ने कल्टी मार ही ली है नीचे से। हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। मजा आ गया। मजा आया कि नहीं। हाँ इतना मजा आया क्या ही बोले क्या ही बोलो। अरे आमे पंडा आई आई अरे इधर आ मेरी जान इधर 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 आ। हाँ बता आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बढ़िया रहा है। अच्छा से बोल सवेरे कितने बजे उठना है। 5 बजे नहाना है। देखते नहीं है देखते नहीं है नहाना है धोना है कपड़े फिर उसके बाद क्या करना है। मंदिर को पट खोलना है कपड़े तो पहन ले। अच्छा कपड़े पहन के फिर क्या करना है पट पट खोलना है आना तो है पट खोलना है फिर आरती करवाना है फिर स्कूल जाना है। सो गाइस ऐसा है कि अभी आ चुके हैं वापस नहा धोने के बाद क्योंकि देखो पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। गणेश जी लेके आए खूब डांस वांस हुआ उसके बाद गणेश जी की स्थापना करवाए और भाई आरती भी हो चुकी है और अभी एक से एक प्रोग्राम बाकी हैं। अभी महाआरती होगी फिर हवन होगा फिर भंडारा होगा फिर विसर्जन होगा। आप लोग एक से एक ब्लॉग देखने मिलेंगे जो गणेश चतुर्थी के जो 10 दिन आने वाले हैं बहुत ही शानदार है। परंतु भाई थोड़ा सा मोहल्ले तो कार्यक्रम और अच्छा बनेगा भैया इनका कहना है मतलब ये है जो चिल्लर पार्टी है भाई अरे वो तो ठीक है। यह समिति का नाम क्या है मोहल्ले वालों थोड़ा सा और सहयोग चाहिए है मतलब जितना हो सके आप लोगों से करें। और सहयोग तो किया है मोहल्ले वालों ने बाकी बहुत और थोड़ा सा और अगर बन पाए उनको तो। सो गाइस कहते हैं ना कि गणेश जी के आने से अशुभ काम दूर हो जाते हैं शुभ काम स्टार्ट हो जाते हैं होना। तो उसी में से एक है शेयर मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाइए और साथ में अच्छा खासा रिटर्न पाइए। यदि आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं ये है मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल नंबर है जिसमें कि सीधा आप मुझसे बात कर सकते हैं और शेयर मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है किस तरीके से आपको प्रॉफिट आता है पूरी मेथड मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। और आने वाले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में अच्छी खासी तेजी आने वाली है। इसका रीजन ये है कि कुछ फेस्टिवल आने वाले हैं इसके बाद आएगा दशहरा दशहरा देन इसके बाद दीपावली। दीपावली में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत तेजी लेता है जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक सामान का व्हीकल्स की बात करें चाहे हम किसी की भी बात करें सोना चांदी ये तेज़ी से यदि इस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके या होल्डिंग में डालते हैं आप आगे जाके सेल करेंगे उसे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आएगी। और भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं पिछले
वर्किंग डेज की मैं बात करूं शेयर मार्केट में, तो हमने 48% रिटर्न दिया, जिसमें कि आप स्क्रीन में नीचे देख ही रहे हैं, आप जो बाजू में देख रहे हैं ये है रिटर्न। इसमें हमने 48% रिटर्न आया, जो कि बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा रिटर्न था। देन इसके बाद कल वर्किंग नहीं थी, कल थी गणेश चतुर्थी और आज मॉर्निंग है, तो आज भी वर्किंग डे बहुत ही प्यारा चल रहा है। बहुत ही अच्छी कॉल हमने प्रोवाइड की है, जिसमें कि सामने वालों को अच्छा खासा मुनाफा देने वाला है। तो गाइस, यदि आप लोगों को डीमैट अकाउंट की जरूरत हो, सबसे पहले शेयर मार्केट में आपको डीमैट की जरूरत होती है, यदि आप लोगों को डीमैट अकाउंट चाहिए है और साथ ही फुल सर्विस चाहिए, और हमारा जो वर्किंग रहता है बहुत ही शानदार रहता है, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा एंड आप ऑब्वियसली यहाँ से आपको 80-90% एक्यूरेसी मिलेगी और रिकमेंडेशन भी बहुत ही प्यारे मिलते हैं। तो यदि आप लोगों को डीमैट अकाउंट चाहिए तो मुझे कॉल करिए, पर्सनल नंबर है मेरा एंड साथ में फेसबुक में भी मुझे जोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, और साथ ही मैं एक टेलीग्राम दे दूंगा जिसमें कि आपको मैं 3 दिन की वर्किंग कॉल्स दिखा सकता हूँ, डेमो कॉल्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी आपको, उसमें क्लिक कीजिए और साथ ही आपको डेमो क्लास 3 दिन की मिल जाएगी, और डीमैट अकाउंट ओपन करवाई और साथ में लग जाइए पैसा कमाने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। यदि आप लोग कुछ कोई सही पार्ट अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और साथ ही आप क्या देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के तो कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे ब्लॉग में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।